हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एलिमेंटर की मदद से हम टैब कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। टैब में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें शो कराना चाहते हैं तो वहां पर आप नीचे टैब में शो करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिस पेज पर, मोस्टली होम पेज पे करते हैं, टैब बनाना होगा, तो हम होम पेज पे आएंगे, फिर वहाँ पे एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर एलिमेंटर आपके वहाँ थीम होगा तो एलिमेंटर से हम करेंगे। हम ऐसा ओपन होगा जब हम पेज पे आएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम तीन टैब बनाना चाहते हैं या दो टैब बनाना चाहते हैं वो हम ले लेंगे। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, हम नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए टैब है, टैब को हम ड्रैग करेंगे क्लिक करके और यहीं पर लाके से ड्रॉप। ये देखिए आपका टैब आ गया, टैब वन टैब टू। अब हम टैब वन पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टैब वन का नाम चेंज कर देंगे, जैसे हम लिखना चाहते हैं टैबलेट, लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट लिखना होगा वो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। सब आप यहाँ पर आइएगा, बेस्ट ऑफर फॉर टैबलेट, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद हमें दो और, एक और बनाना है। हम यहाँ पर आएंगे, देखिए टैब टू पे आएंगे, टैब टू का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे हमें कुछ लिखना है वो हम लिख देंगे। उसके बाद यहां स्टाइल देखिए, स्टाइल पे हम बॉर्डर कितना रखना चाहते हैं बॉर्डर रख देंगे। कलर हमें क्या चेंज करना है कलर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से टैब का कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टाइल में क्या कलर होगा, एक्टिव कलर क्या होगा, टाइपोग्राफी कलर क्या होगा, कंटेंट कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें। एडवांस में हम आते हैं, यहाँ पर देखिए इसके मोशंस की बात करते हैं, इसके अलाइनमेंट की बात करते हैं, कितना मार्जिन रहेगा की बात करता हूँ। यहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे, कितना होगा कितना नहीं होगा, देखा। पैडिंग की बात करते हैं, कितना आपको अलाइन करना है, लेफ्ट में राइट में वो आप कर लीजिएगा। मोशंस इफेक्ट फेडिंग में रखेंगे, ड्रॉप डाउन में रखेंगे, बैकग्राउंड क्या होगा, रिस्पॉन्सिव क्या होगा, यानी हम किस जगह पर शो कराएंगे और किस जगह पर नहीं शो कराएंगे, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, टैबलेट। फिर हम एक और बनाते हैं, टैब लिया हम, टैब पे आए, टैब को उठाया और इसको ड्रॉप कर दिया। टैब वन पे जाते हैं, देखिए अगर आपको दो के अलावा अगर एक्स्ट्रा तीन चार बनाने तो ऐड आइटम कर दीजिए। ऐड आइटम करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्ट्रा ओपन हो गया, हमने दो तो बनाया ही, एक स्ट्रा ओपन हो गया। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे होगा, देखिए ये वर्टिकल में ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में ऐसे हो जाएगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे होगा। तो इस तरह से आप जितना टैब चाहें बना लें अच्छे से, जो कि बहुत ही इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको लिखना है बस। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ें सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।